हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आवर थ्योरी मास्टरी। और ये चल रही है विजुअल नेट सीरीज, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर किए जाते हैं, जो विजुअल नेट के आते हैं आपके, और उस पेपर को करने से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। और यस, 2012 से लेकर और आगे तक ये चलता ही रहेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे आंसर हैं, और हर एक वीडियो के अंदर बहुत सारे आंसर तो छुपे हुए हैं। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसके अंदर एक लिंक भी है उस क्वेश्चन पेपर का, जिसे आपको खुद अटेम्प्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रैब करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू विजुअल नेट सीरीज। और आज हम 2018 जनवरी महीने का पेपर करेंगे, जिसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। और 23 जुलाई 2020 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है इस विजुअल नेट सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजा रवि वर्मा ऑलियोग्राफ आर कंसिडर एज। देखिए, जो राजा रवि वर्मा के ऑलियोग्राफ के प्रिंट थे ना, वो एक्सप्रेशनिस्ट भी थे, यूरोपियन स्टाइल में थे, और बाजार पर भी आधारित थे, क्योंकि वो हर एक घर में अपनी पेंटिंग्स का पहुंचाना चाहता था। ठीक है, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, आपको पता होगा ये ऑलियोग्राफ की प्रेस राजा रवि वर्मा ने घाट कोपर के अंदर 1894 में खोली थी। ठीक है, जो बाद में यानी शिफ्ट करनी पड़ी 99 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, विच आर द रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस। इसमें से हमें रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस को छाटना है। तो प्लेनोग्राफी और सेरीग्राफी अलग फैमिली है, एक्वाटिंट और ड्राई पॉइंट ये इंटाग्लियो फैमिली के हैं, और लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट में इंटाग्लियो फैमिली आ गया। और देखिए, जो लिथोग्राफी है ये प्लेनोग्राफी के अंदर आता है, जिसमें सरफेस और नॉन सरफेस यानी इमेज और नॉन इमेज वाला एरिया एक ही सरफेस पे होता है। ठीक है, वुड कट में हमारे क्या होता है, ये रिलीफ प्रिंटिंग होता है। रिलीफ प्रिंटिंग में देखिए, जैसे ये हमने एक प्लेन सरफेस को काट लिया, ठीक है, तो हमारा जो प्रिंट आएगा ना, हमारा प्रिंट ऊपर इंक लग जाएगा और वही प्रिंट पेपर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम रिलीफ प्रिंटिंग। जैसे पेपर पे कौन यानी प्रिंट आएगा तो कैसे दिखेगा, वो सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा ये वाला, ये नहीं दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा प्रिंट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलीफ प्रिंटिंग हो जाएगा, जो उभरी हुई सतह पर इंक लगाकर हमें मिलता है। तो वुड कट इसी का पार्ट है, वुड कट, लिनो कट और ऐसे ही कई सारे, ठीक है, रिलीफ में आते हैं सारे। लिथोग्राफी प्लेनोग्राफी में आता है, बट इसका आंसर ये यूजीसी ने सेकंड दे रखा है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, ब्रेयर इज ऑल्सो नोन एज। देखिए, जो ब्रेयर है वो प्रिंट मेकिंग में एक टर्म यानी शब्द यूज किया जाता है। किसको डिनोट करता है वो, रबर रोलर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, कंस्ट्रक्शन जे इज द क्रिएशन ऑफ। जो कंस्ट्रक्शन जे है वो किसकी क्रिएशन है, तो वो क्रिएशन है जगदीश डे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, द प्रिंट 5 faces इज मेड बाय। जो 5 faces वाला जो प्रिंट है वो किसने बनाया है, तो वो बनाया है बिशन कुमार भारद्वाज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, राजा रवि वर्मा प्रिंट आर कॉल्ड। जो राजा रवि वर्मा के प्रिंट थे उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑलियोग्राफ। और देखिए, ऑलियोग्राफ और लिथोग्राफ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने लिथोग्राफ की प्रिंटिंग प्रोसेस खोली थी, बट जब प्रिंट की बात आती है तो वो क्रोमोलिथोग्राफ मतलब कई कलर्स के थे। ठीक है, तो जिसे ऑलियोग्राफ कहेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, इन विच इन सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग व्हाट मेक्स द सरफेस फोटो सेंसिटिव। देखिए, जब हम सिल्क स्क्रीन में अपनी इमेज को एक्सपोज करते हैं तो फोटो सेंसिटिव कैसे क्रिएट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो हम ये पोटाशियम डाइक्रोमेट अपने जो फ्रेम जो कपड़ा होता है, ठीक है, फ्रेम के साथ ही एक लेयर लगा देते हैं पोटाशियम डायोक्रोमेट का, और फिर उसको लाइट की सहायता से यानी पहले इमेज लगाकर और फिर लाइट की सहायता से उसे एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, इसी को पूरा यानी लाइट सेंसिटिव किया कहा जाता है, फोटो सेंसिटिव।
ठीक है, उससे फिर यानी इसके बाद नेक्स्ट होता है वॉश कर दिया जाता है, और वॉश के बाद इंक से स्क्वीज की सहायता से उसको एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिससे नीचे जो पेपर होता है उस पर पेंट हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा सिल्क स्क्रीन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, ड्यूरिंग व्हाट पीरियड लिथोग्राफी पेंटिंग स्टार्ट इन इंडिया, यानी किस पीरियड के अकॉर्डिंग लिथोग्राफी इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी। तो देखिए इसके कई यानी तथ्य हैं, कई फैक्ट्स हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। देखिए जो 1822 में ना फ्रेंच आर्टिस्ट आए थे, दो फ्रेंच आर्टिस्ट आए थे, वो इंडिया के अंदर आए थे और उन्होंने पोर्ट्रेट वगैरह लिथोग्राफी में प्रिंट किए थे, है ना। उनका एग्जैक्ट नाम यानी डे सवनिग्न था, बट उनका नाम आता नहीं है, फिर भी डी से स्टार्ट होगा, आप ध्यान रखना, डे सेवनिक सेविक नेक, ठीक है, डी सेवेगनिक नाम है उनका, थोड़ा सा अटपटा है, बट 1822 में एक लिथोग्राफ की इंडिया में स्टार्ट हुई थी। फिर जो ऑफिशियली आता है 1824, जब जो गवर्नमेंट थी कोलकाता की, उन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था लिथोग्राफी में, उसमें भी जो बुक्स थी उसको प्रिंट किया गया, इलस्ट्रेशन प्रिंट किए गए, कैलेंडर प्रिंट किए गए, ठीक है, ऐसे एक्सेसरीज प्रिंट की गई। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो 1825 से 30 के बीच प्रिंटिंग प्रेस यानी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी 1824 में, यानी कोलकाता की जो गवर्नमेंट थी वो ऑफिशियली कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे सामने, द रॉयल अकेडमी लंदन वॉज फाउंडेड बाय, देखिए जो UGC है वो अकेडमी म्यूजियम, इनके क्वेश्चन तो पूछता है, चाहे सीक्वेंस में पूछा जाए, मैच करने के लिए पूछा, या एक सिंगल क्वेश्चन में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का यानी देखिए जो आपको बेसिकली याद ही करना पड़ेगा, द रॉयल अकेडमिक लंदन वॉज फाउंडेड बाय, तो ये फाउंडेड किया गया था 1786 में, किसके द्वारा, जोशुआ रेनोल्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, नेम द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, देखिए द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो बुक है वो लिखी गई है काजमीर मालेविच द्वारा, और आपको पता ही होगा काजमीर मालेविच एक सुपरमेटिज्म का आर्टिस्ट है, सुपरमेटिज्म, और इसने यानी बहुत सारी बुक्स लिखी है जो यानी डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करती है, और इसने खुद के ऊपर भी बुक लिखी है, ठीक है, काजमीर मालेविच, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, हु रॉट द बुक कांगरा पेंटिंग ऑन लव, देखिए कांगरा पेंटिंग ऑन लव जो ज़्यादातर पेंटिंग यानी पहाड़ी शैली पर जो पेंटिंग बनी है ना वो MS रंधावा द्वारा बनी है, ठीक है, जो बुक बनाई है इन्होंने, रची है, लिखी है, ठीक है, तो MS रंधावा का ज़्यादा नाम आता है। इन्होंने कांगरा पेंटिंग ऑन लव के साथ यानी बहुत सारी यानी बुक्स लिखी है। इनकी जो मशहूर बुक है मैं बता देता हूँ, एक तो बसोली हो गई, बसोली पेंटिंग, और ऐसे ही गुलेर पेंटिंग हो गया, और ऐसे ही इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। तो इन्होंने पहाड़ी शैली को बहुत अच्छे से यानी बुक में लिखा है, दिखाया है दुनिया को, ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द पेंटिंग एंटाइटल अंकुरण इज पेंटेड बाय हुम, तो ये जो पेंटिंग है अनु अंकुरण की, तो ये पेंट की गई है SH रजा द्वारा, ठीक है, SH रजा आपको पता होगा एक लीडिंग नाम है, एक प्रोग्रेसिव ग्रुप से आते हैं ये, जो बॉम्बे के अंदर चला था, जिसको पैक के नाम से भी जाना जाता है, और SH रजा का जन्म 1922 के अंदर हुआ था MP के अंदर, ठीक है, और इनकी यानी कई सारी पेंटिंग फेमस है, जैसे अनुकरण भी हो गई, और एक हो जाएगी यहाँ पे सौराष्ट्र, ठीक है, ये वाली पेंटिंग हो जाएगी इनकी एक और फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, विच ऑफ द मिनिएचर स्कूल हैव लार्जली प्रोड्यूस्ड पेंटिंग ऑन हंटिंग थीम, देखिए इनमें से पूछा गया है चारों में से,
यानी कौन से मिनिएचर स्कूल था, कौन से मिनिएचर शैली में पेंटिंग की गई हंटिंग शैली, मतलब शिकार के दृश्य, यानी थीम वही रही। तो जो कोटा शैली है ना, वो उसमें बहुत सारी यानी हंटिंग जो शिकार के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो पीछे का एक कारण था वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जो कोटा शैली का जो प्रमुख राजा माना जाता है, जो जिसके समय में कला को बहुत यानी सम्मान मिला, तो वो है राजा उमेद सिंह, राजा उमेद सिंह। ये जो राजा थे ये ना झालावाड़ की साइड ना बहुत ज़्यादा जाया करते थे हंटिंग करने, वहाँ के जो जंगल थे वहाँ पे हंट किया करते थे, शिकार किया करते थे, ठीक है। तो आर्टिस्ट क्या करते थे, यानी हर समय जब भी इनको पेट्रोनेज मिलता था, जब इनको संरक्षण मिलता था राजा के, तो राजा की जो इच्छाएं होती थी, उनके शौक होते थे, उनके अकॉर्डिंग पेंटिंग बनाया करते थे। तो राजा उमेश सिंह को हंटिंग करना बहुत पसंद था, जो झालावाड़ के यानी जंगलों में जाकर शिकार किया करते थे। तो उनके इंटरेस्ट के अनुसार वहाँ के पेंटिंग यानी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यानी हंटिंग के दृश्य नहीं बने, यानी कई सारे दृश्य बने, बट हंटिंग के जो सीन है वो बहुत सारे बने, यानी कई ओर से अकॉर्डिंग करे जाए। जैसे किशनगढ़ में भी हंटिंग के बने, कांगड़ा में भी बने, बसोली में भी बने, बट कोटा में बहुत सारे बने, बहुत ज़्यादा बने, ठीक है, क्वांटिटी में। तो हमारे राजा उमेद सिंह की वजह से ये कोटा शैली हंटिंग की थीम में ज़्यादा यानी आगे निकल पाया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका रीज़न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वॉज हेल्ड इन द ईयर ऑफ। देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की जो सबसे प्रथम प्रदर्शनी थी, एग्जीबिशन थी, वो कब और कहाँ पे लगी, तो ये 1930 में लगी थी पेरिस के अंदर, ठीक है। और अराउंड 46 मेंबर थे इस एग्जीबिशन के अंदर, ठीक है, जो रशिया से थे, रशिया, जर्मनी, यूरोप और बहुत सारे, यानी यूरोप के भी बहुत सारे, यानी यूरोप से लेकर अमेरिका और थोड़ा सा, यानी 46 मेंबर आप मान सकते हो अराउंड वर्ल्ड में कहीं कहीं से यहाँ पर मेंबर आए, आर्टिस्ट आए और अपनी पेंटिंग को यहाँ पे प्रेजेंट किया एग्जीबिशन के अंदर, ठीक है। और इसमें सबसे यानी एब्स्ट्रैक्ट में एक फेमस नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप याद भी कर लीजिएगा, कांडिंस्की है, ठीक है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। नेम द प्लेस वेयर एन एग्जीबिशन ऑन न्यू तंत्र थीम वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग भारत महोत्सव 1985-86। तो ये जो न्यू तंत्र थीम पर एग्जीबिशन हुई थी भारत महोत्सव के अंदर 1985 से 86 के बीच, तो ये हुई थी लॉस एंजेलस के अंदर, ठीक है। न्यू तंत्र से समझ गए होंगे आप कुछ तांत्रिक वाली एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। द फेमस इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ मॉडर्न आर्ट नोन एज आर्मरी शो वॉज ऑर्गेनाइज बाय। देखिए, जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी जिसका यानी जो जाना जाता है आर्मरी शो के नाम से, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी वो बताया जा रहा है। तो ये वॉल्ट कून एंड ऑर्थर बी डेविस द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। जेनरिक टर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग अ वाइड रेंज ऑफ टाइपफेस डिजाइन विद सेंस यानी सेरिफ फॉर्म। देखिए, सेरिफ वाले जो फॉर्म होते हैं, इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सेरिफ को डिनोट करता है। तो सेरिफ वाले जो फॉन्ट होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉर्मल नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा सा डेकोरेटिव दिखेगा, जिसके किनारे वगैरह निकले होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टी लिखा है, तो आप देख सकते हो टी के किनारे निकले हुए, कहीं से मोटा है, कहीं से पतला। तो ये क्या होता है, ये हमारे सेरिफ फैमिली में आते हैं, ठीक है। और सेंस सेरिफ की बात की जाए तो वो एकदम नॉर्मल होगा, ठीक है, एकदम सिंपल, ये सेंस सेरिफ हो जाएगा, जो गोथिक स्टाइल का एक पार्ट होता है। तो सेरिफ की हमसे पूछा गया है कौन डिनोट करेगा, तो रोमन सबसे बेस्ट है जो सेरिफ को डिनोट करता है। आपने रोमन का टाइप फेस देखा होगा, तो आपको उससे भी आइडिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। द आइकॉनिक सिंबल ऑफ एप्पल कंप्यूटर इंक
डिजाइन बाय, देखिए जो एप्पल का जो लोगो है वो अराउंड दो बार डिजाइन हुआ और उसके बाद थोड़ा सा उसी डिजाइन पर बार बार चेंजेस हुए। तो हमारा जो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा रॉब जानोफ, ठीक है। रॉब जानोफ ने इसको डिजाइन किया था जब रैम्बो वाला एप्पल का वो बनाया गया था। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ऐसे बाइट करता हुआ एप्पल बनाया था इन्होंने और रैम्बो वाले में बनाया था सबसे पहले 1977 से 78 के बीच में, ठीक है। रैम्बो वाले में बनाया था, यानी 6 स्ट्राइप थी ऐसे, ठीक है, सीधे सीधे 6 स्ट्राइप में बनाया था रॉब जानोफ ने सबसे पहले एप्पल का लोगो, यानी इससे पहले भी बनाया था रॉन वाइने ने। उसमें क्या था, न्यूटन का पूरा दृश्य बना रखा था, चित्र बना रखा था, ठीक है, वो लोगो में, जो करीब एक साल ही चल पाया। बट जो जो आज भी एग्जिस्ट है वो ये वाला सिंबल था। फिर जैसे ये रैम्बो वाला शेप आया, फिर रैम्बो वाले शेप के बाद इन्होंने, यानी रॉब जानोफ ने थोड़ा सा चेंज किया, यानी 1998 में, ठीक है, ये 98 था, 1998 में चेंज किया, जिसमें एक सिंगल कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर एक नॉर्मल कलर आया 1998 से और 2003 के बीच में एक सिंगल कलर आया था, ठीक है, 2003 जो ब्लू कलर का था उसमें थोड़ा सा हाईलाइट दिख रही थी और थोड़ी सी शेडो, ठीक है। फिर आया 2003 के बाद जब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल सिल्वर कलर में आता है जिसमें कोई भी शेडो वेडो नहीं होती जैसे 2003 में थी। तो 2003 में 3 से लेकर यानी प्रेजेंट डे तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 तक, प्रेजेंट तक ये आपका एग्जिस्ट है जिसमें आपको सिल्वर कलर का आपको ये लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रॉब जानोफ ने इसकी जर्नी स्टार्ट करी यहाँ से रैम्बो एप्पल से, और फिर वो 2003 में देख सकते हो आप 98 से 2003 के बीच में एक ब्लू कलर का था ये, ठीक है, ब्लू कलर में एक शेडो दिख रही थी, एक हाईलाइट दिख रही थी, और 2003 के बाद और अब तक ये एक नॉर्मल कलर में है, ठीक है। ये था इसके पीछे का रीज़न और मैंने बता दिया कि कैसे डिज़ाइन किया गया। और सबसे पहला यानी लोगो बनाया गया था एक नॉर्मल सा, यानी एक चित्र ही बनाया गया था, उसमें एप्पल का दृश्य और यहाँ पे न्यूटन ऐसे सेप को देख रहा है ऐसे कुछ करता है वो बनाया था, ठीक है। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18-19 पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द टाइपोग्राफर हु एडमोनिश लेटर आर नॉट पिक्चर बट साइन फॉर साउंड। उस टाइपोग्राफर का नाम बताना है हमें जो जो कहते हैं कि लेटर आर नॉट पिक्चर बट साइन फॉर साउंड्स। तो ये है हमारे एरिक गिल, ठीक है, जो काफी अच्छे टाइपोग्राफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। हु एक्सपेरिमेंटेड विद द फोटोग्राफिक टेक्निक ऑफ सोलराइजेशन फ्रॉम द मिड 1920। देखिए किसने एक्सपेरिमेंट किया था फोटोग्राफिक टेक्निक के ऊपर जो सोलराइजेशन के ऊपर बेस्ड था फ्रॉम मिड 1920। तो ये थे हमारे महाशय मैन रे, ठीक है। और मैन रे आपको पता ही होगा दादा जम के आर्टिस्ट थे और इनका जन्म देखे तो यूएस के अंदर हुआ 1890 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। इनिशियल लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द टेक्स्ट सेट अ लार्जर साइज एक्सटेंड इनटू द लाइन ऑफ टाइप बिलो इज रेफरेंस। देखिए आपने देखा होगा बुक्स या मैगजीन या अखबार वगैरह में जो स्टार्टिंग का लेटर होता होगा, जैसे यहाँ पे द यानी टी बड़ा सा लिख देते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी लाइंस होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले वर्ड को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछा है। तो उस फर्स्ट वाले वर्ड को यहाँ पे कहते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है, ड्रॉप कैप कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है साइज में और डिनोट करता है और थोड़ा सा यानी अपना अटेंशन भी लेता है कि तबड़ा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने। पोलिश स्कूल ऑफ पोस्टर एमर्ज हिस्टोरिकली एज न्यू एंड क्रिएटिव ब्रांच ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट।
देखिए इसमें पूछा गया है पॉलिश स्कूल था जो ये पोस्टर वाला पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर इमर्ज हिस्टोरिकली एज अ न्यू एंड क्रिएटिव ब्रांच ऑफ कंटेम्प्रेरी। तो ये हिस्टोरिकली यानी कब इमर्ज हुआ यानी उभर के सामने आया, तो ये हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के सामने सेकेंड के बाद। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। द फर्स्ट फुल्ली फ्लेज ऑल फोटोग्राफिक न्यूज मैगजीन इन द यूनाइटेड स्टेट वर्स, तो सबसे पहली फुल फ्लेज यानी फोटोग्राफिक मैगजीन यूएस के अंदर कौन सी यानी थी, तो वो थी हमारी लाइफ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। इटैलिक करेक्टर विथ एक्स्ट्रावेगेंट कैलीग्राफिक फ्लरिशेस आर नोन एज, जो इटैलिक करेक्टर में पूछा गया है जिसमें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रावेगेंट कैलीग्राफिक फ्लरिश होता है, तो वो बताना है हमें। तो ये स्वास के जो करेक्टर होते हैं उसको देखना आप, जिसमें कैलीग्राफी के आपको कुछ एग्जेजरेट ही मिलेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया, यानी कौन है ऑथर इस बुक का वो बताना है हमें, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया, तो ये है हमारे गायत्री सिन्हा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल रिप्रेजेंट्स टू द फुली इवॉल्व कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर, देखिए इसमें बताना है इन चारों में से कौन सा फुल्ली इवॉल्व है कलिंग स्टाइल के अंदर, कलिंग स्टाइल से यानी मिलते हैं पूरी तरह से, तो ये है हमारा लिंगराज का 11वीं शताब्दी में बना मंदिर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने। हु वॉज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ हुमायूं टॉम, हुमायूं टॉम के जो चीफ आर्किटेक्चर थे मुख्य वास्तुकार थे तो वो कौन थे, वो थे मीर गियास। ठीक है मिराक मीर गियास ये हुमायूं टॉम के मुख्य वास्तुकार थे, और अगर पूछा जाए आपसे ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो वो थे अहमद लाहौरी। ठीक है ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए ऐड कराता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा आपको सीखने को मिले इस वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने। नेम द यूरोपियन पेंटर हु इज नोन फॉर पेंटिंग एलोंगेटेड शेडो एम्प्टी रोड एंड आर्क्स इन मिस्टीरियस वे, देखिए हमें उस पेंटर के बारे में बताना है जो थोड़े से लंबी शेडो बनाया करता है एम्प्टी रोड खाली रोड और अपनी पेंटिंग में दिखाया जाता है ये मिस्टीरियस वे में, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आएगा एडविन मोज जॉर्जियो, तो जॉर्जियो चिरिको ये आएगा इसका आंसर। ठीक है एडवर्ड मुंच के भी आपको यानी द स्क्रीम वगैरह देखोगे तो थोड़ी सी वैसी फील आती है, और एडवर्ड होपर एल्बन सेवेंटो, तो जॉर्जियो की पेंटिंग में थोड़े से मिस्टीरियस वे निकल के आता है, शेडो और एम्प्टी रोड दिखेंगे आपको। ठीक है ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने। नेम द आर्ट क्रिटिक हु स्पोक अबाउट सिग्निफिकेंट फॉर्म इन एस्थेटिक्स, देखिए यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फॉर्म की जो थ्योरी है वो दी है क्लाइव बेल ने। ठीक है क्लाइव बेल बहुत जाने माने आर्ट क्रिटिक रहे और इन्होंने कई सारी बुक भी लिखी है, और ये वाला यानी सिग्निफिकेंट फॉर्म इनका काफ़ी फेमस है, और क्लाइव बेल और रोजर फाई दोनों को जाना जाता है जो जिन्होंने फॉर्मलिज्म की थ्योरी दी थी। ठीक है फॉर्मलिज्म। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने। तालामाला इज एसोसिएटेड विथ, तो तालामाला को यानी किससे एसोसिएटेड किया जाता है वो बताने हमें, तो तालामाला एक प्रकार की आइकोनोग्राफी होती है में आता है। ठीक है जिसमें एक मेजर दिया जाता है प्रोपोर्शन दिया जाता है टेम्पल के आइकन पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है बेसिकली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे सामने। नैनसुक इज फेमस पेंटर ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, बिल्कुल सही मेनली एसोसिएटेड विथ, देखिए जो नैनसुक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि किस पहाड़ी शैली से वो बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है,
मैं आपको बताता हूँ, जो नैन सुख का बचपन था वो गुलेर शैली में रहा। गुलेर शैली में इसकी जो फैमिली वर्कशॉप थी, जो फैमिली के साथ वो पेंटिंग बनाया करता था। इसके पिता जो पंडित सेव थे, ठीक है, पंडित सेव काफ़ी यानी गुलेर शैली के महान कलाकार में माने जाते हैं, और यानी अच्छा यानी सब कुछ था। बट नैन सुख गुलेर छोड़ कर जसरोटा आते हैं और जसरोटा में अपनी पूरी जवानी यानी बिताते हैं, और आखिरी दिनों में ये बसोली पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। यूजीसी ने वैसे जसरोटा माना है इसका, यानी जो जवानी वाला फेस था, जब इसने ज़्यादा पेंटिंग बनाई होगी ऑफ कोर्स बिल्कुल जसरोटा में, जब ये जवानी वाले फेस में था जसरोटा में, बुढ़ापे में ये बसोली था, और जब बचपन में ये गुलेर पे था। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जम्मू वाली शैली से बिलोंग नहीं करता, बाकी तीन शैलियों से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता दी, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको कहाँ पे जाना है। जो जवानी वाला फेज है, जिसमें ऑफकोर्स सी बात है कि सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनाई होगी, तो जसरोटा ही लगाना आप भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने। फ्रॉम फॉलोइंग हु इज नॉन फॉर जियोमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन, इनमें से कौन जियोमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, तो हमें बताना है। तो ये काजमीर मालविच है, जो सुपर मेटिज्म के आर्टिस्ट हैं, ये काफ़ी यानी जियोमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बुक्स भी लिखी है जियोमेट्रिक से रिलेटेड, और मैंने ऊपर बताया था कि कैसे इन्होंने दो चार बुक भी लिखी है, और ख़ुद के ऊपर भी बुक लिखी है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे सामने। अगस्त रोडिन प्रिंसिपली वर्क विथ, जो रोडिन था वो किसके साथ वर्क किया करता था, वो यहाँ पे पूछा है। तो ये वर्क किया करता था क्ले के साथ, ठीक है। इसके आपको ज़्यादातर जो स्टैचू है ब्रॉन्ज में मिलेंगे, बट ब्रॉन्ज में बनाने से पहले उसे क्ले में ही तैयार किया जाता है, फिर उसको वैक्स में मोल्ड किया जाता है, देन उसमें बर्न आउट करके वैक्स और अपना ब्रॉन्ज का अलग डाला जाता है, जिससे वो हो जाता है, फिर उसके बाद भी काफ़ी मेहनत की जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेज हमारा क्ले ही है, और वो वर्क भी प्रिंसिपली क्ले के अंदर ही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। विच इज़ नॉट अलॉय, इनमें से कोई अलॉय नहीं है, मतलब मिश्र धातु नहीं है, मतलब कई धातुओं मेटल से नहीं बना। तो ब्रॉन्ज में आपको पता है जिंक होता है, टिन होता है, और बहुत सारे ऐसे ही यानी धातु होते हैं जो ब्रॉन्ज बनाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा कॉपर की होती है, ठीक है। फिर आते हैं ब्रास, ब्रास के अंदर भी काफ़ी यानी सारे होते हैं, जिंक वगैरह, और कॉपर, कॉपर यहाँ पे एकदम प्योर मेटल माना जाएगा, जो एक नॉट अलॉय हो जाएगा। वाइट मेटल के अंदर भी आपको यानी लेड वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बट कॉपर है, जो कॉपर बिल्कुल प्योर अलॉय में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे सामने। इन्वेस्टमेंट मोल्ड इज एसोसिएटेड विथ, जो इन्वेस्टमेंट मोल्ड है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, हमें वो बताना है। तो आपने लॉस वैक्स का यानी देखा होगा, जिसमें यानी ब्रोस कास्टिंग की जाती है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट मोल्ड का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। और लॉस्ट वैक्स का यानी कई सारे नाम है, जिसमें यानी पहले तो लॉस्ट वैक्स ही है, बेसिक हमारा लॉस्ट वैक्स ही रहता है। जब भी हमें ब्रॉन्ज वगैरह की कोई मेटल मूर्ति बनानी होगी तो यही वाला यानी अप्लाई किया जाता है ज़्यादातर। फिर इसके कई सारे नाम है, जैसे अगर इंडिया में बात करें तो ढोकरा, और फिर सिरे पर्दू हो गया, और ऐसे ही यानी कुछ रीजनल नेम भी बहुत सारे आते हैं, इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये कई सारे नाम है, तो हमारा बॉस कास्टिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने। हु वॉज द स्कल्प्टर ऑफ फेमस एक्टेसी ऑफ सेंट टेरेसा, तो ये एक्टेसी ऑफ सेंट टेरेसा का जो स्कल्पचर है, इसके सब यानी जो मूर्तिकार है वो बर्निनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे सामने। नेम ऑफ द स्कल्प्टर हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली, जो चेयरमैन थे ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली के, वो हमें बताना है 2018 के अंदर, तो वो थे हमारे शंखो चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे सामने।
name the sculptor who was commissioned for the stone sculpture Yaksh Yakshini for the Reserve Bank of India building New Delhi. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है न्यू दिल्ली के अंदर, जहाँ पे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति रखी है, वो स्कल्पचर किसने बनाया, तो वो आपको पता ही होगा, यक्ष यक्षिणी से आपको बिल्कुल माइंड में आ जाना चाहिए, राम किंकर बैज, जिन्होंने संताल फैमिली, यक्ष यक्षिणी और बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ बनाई है। इनका फेवरेट जो था, आपको पता है, इनका फेवरेट जो मटेरियल था वो सीमेंट आता है, यानी इन्होंने जो लोकल अवेलेबल था ना उसको ज़्यादा यूज़ किया मटेरियल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने पूछता है, बिस्किट फायरिंग इज रिलेटेड विथ, जो बिस्किट फायरिंग है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है सेरामिक से रिलेटेड। और इसके अंदर क्या होता है, बिस्किट फायरिंग के अंदर जो होता है ना टेम्परेचर, एक इवन टेम्परेचर में यानी किसी ऑब्जेक्ट को पकाया जाता है, जो सेरामिक का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको अच्छे से पकाया जाता है उसकी, जिससे वो मजबूत बने और उसके अंदर फिर भी छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं, जैसे मटका होता है आपने देखा होगा जो एक, तो ये एक फायरिंग यानी हीट करने यानी वो वाला प्रोसेस होता है बिस्किट फायरिंग, जिसमें एक इवन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने, मैलेट इज रिलेटेड विथ, जो मैलेट होता है ना उसका हम कोर्ट रूम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कोर्ट में जज वगैरह बैठते हैं वो चुप कराने के लिए मैलेट का यूज़ करते हैं, बाकी मैलेट तो अब देखने को मिलेगा ही नहीं क्योंकि कोर्ट के अंदर ही किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। तो ये हमारा वुड कार्विंग का होता है, ठीक है, मैलेट होता है बेसिकली जो लकड़ी का एक हथौड़ा होता है, ठीक है, हैमर होता है, तो ये वुड कार्विंग में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग, एपोक्लिप्स किसके साथ जाएगा, आपको पता होना चाहिए, एल्बर्ट ड्यूरर का प्रिंट है एपोक्लिप्स, और फिर आते हैं द डेथ ऑफ यानी द डांस ऑफ डेथ, ये हमारा हंस हालेबिन्स का है, हंस हालेबिन, फिर आते हैं लॉस कैपियोस जो फ्रांसिस्को गोया का है, फिर आते हैं थ्रो क्रॉसेस जो रेम्ब्रांड का काफ़ी मशहूर है, ठीक है। तो हमारे सारे सही सीक्वेंस में लगा दिए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1 3 2 1 4 3 2 1 4 4 1, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग, डिगिंग हम किस में करते हैं, थोड़ी सी यानी ठुकाई वगैरह हल्की सी, तो उसमें किस में करते, तो आपको पता होना चाहिए जो एंग्रेविंग में हम थोड़ी सी ना ये ब्रूइन वगैरह जब यूज़ करते हैं पैलेट पर, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए हम थोड़ा सा उसमें ऊपर से मारा भी करते हैं हल्का सा, ठीक है, एंग्रेविंग में, तो हमारा ये डिगिंग हो जाएगा। कटिंग के लिए हमारा ब्लेड सबसे बेस्ट दिख रहा है, कार्विंग के लिए हमारा सबसे ज़्यादा रहेगा यहाँ पे गोज होता है जो कार्विंग के लिए हम यूज़ करते हैं टूल्स वगैरह, स्क्रैचिंग हम नीडल से करते हैं, ठीक है, जैसे ड्राई प्रॉन्ट एचिंग वगैरह ये नीडल से होती है, तो हमारा हो जाएगा 2 1 4 3, हमारा हो जाएगा 2 1 4 3, हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे सामने, मैच द इन्वेंशंस ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें जो इन्वेंशन है उनके सन से जोड़ना है, यानी कौन सा इन्वेंशन कब हुआ, तो सबसे पहले 105 AD का आपको पता ही होना चाहिए कि जब पेपर आया था चाइना के अंदर, चाइना ने पेपर वुडकट और स्क्रीन का सबसे पहले देखा गया, तो यहाँ पे चाइना सबसे पहले आएगा। फिर आते हैं 220 AD में आपको पता होगा जो वुड ब्लॉक आया चाइना के अंदर ही आया, और फिर 1512 फिर एचिंग आया, देन 1904 ऑफसेट, ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी आपको हो गई होगी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 2 4 1, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग, प्लेनोग्राफी का मैंने अभी बताया था, जो सरफेस पे यानी प्लेन सरफेस पे इमेज और नॉन इमेज दोनों एरिया सेम सरफेस पे होते हैं, तो हमारा यहाँ पे होगा मैट्रिक्स रिटेन इट्स ओरिजिनल सरफेस, ठीक है, और हमारा स्टेंसिल होगा
जिसके हम प्रेस थ्रू मेम्ब्रेन यानी टेक्सचर अधेर। स्टेंसिल का हमारा सेकंड होगा जिसमें प्रिंटिंग मटेरियल इज प्रेस थ्रू मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन कह सकते हो, एक पॉस्चर भी कहा जाता है स्टेंसिल को, और कई सारे वर्ड हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा आगे की वीडियो में जो स्टेंसिल से रिलेटेड है। स्टेंसिल बेसिकली होता है जैसे आपने एक पेपर पर एक ऐसा कुछ प्लस का निशान काट लिया, ठीक है, उसको कट करके बाहर कर दिया उसको, ठीक है, और उस पेपर के यानी दूसरे पेपर के नीचे रख कर इस पेपर को ऊपर से आपने इंक लगा दी, ठीक है, रेड कलर की इंक लगा दी। यहाँ पर क्या लगा दी आपने? इंक लगा दी, पूरे पेपर पे इंक लगा दी और यहाँ पर रख कर, तो जब आप पेपर उठाओगे ना तो ये सिर्फ जो प्लस वाला निशान होगा वो वाला निशान रह जाएगा, तो ये हमारा स्टेंसिल हो जाएगा, ये वाला हमारा स्टेंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी यानी प्रोसेस को बताया गया कि प्रिंटिंग मटेरियल इज प्रेस थ्रू मेम्ब्रेन, यानी प्रेस किया जाता है किसी स्टेंसिल किसी एक डाई के द्वारा, किसी यानी आप कुछ भी कह सकते हो इसको, पेपर कटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी नेक्स्ट है हमारा कोलोग्राफी। कोलोग्राफी में हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। टेक्सचर मटेरियल इज अधेयर टू प्रिंटिंग सर्फेस, ठीक है। फिर वुड कट के लिए आपको पता ही होगा ये मेथड ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए हम वुड कट यूज करते हैं जिसमें जो रिलीफ प्रिंटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4-2, तो मैं 4-2 थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग आर्टिस्ट एसोसिएटेड विथ। अब हमें जो आर्टिस्ट है उनको मैच करना है, तो हमारा सबसे पहले जो कवल कृष्ण है वो आएगा जो दिल्ली शिल्प चक्र के भी पार्ट रहे हैं, फिर हिम्मत शाह आएंगे जो ग्रुप 1890 के पार्ट रहे हैं। और 1890 अभी मैं एक एक करके सबको डिस्क्राइब करता हूँ ग्रुप्स को। अनुपम सूद हमारा ग्रुप 8 के पार्ट थी, ये लेडी है। मोहन सामंत बॉम्बे ग्रुप के पार्ट थे, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ। जो ये 1890 वाला ग्रुप था ये जे स्वामीनाथन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, स्वामी नाथन, ठीक है, स्वामीनाथन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया 1963 के अंदर, और इसमें हिम्मत शाह ज्योति भट्ट भी थी, ठीक है। फिर आते हैं दिल्ली शिल्प चक्र। दिल्ली शिल्प चक्र 1949 के अंदर जिसके पीछे प्राणनाथ मांगो का भी नाम आता है, प्राणनाथ मांगो, और यानी इसके यानी कई सारे पार्ट जैसे दिल्ली शिल्प चक्र के तो कई सारे थे, कवल कृष्ण भी था इसका तो, ठीक है। और फिर आते हैं हम ग्रुप 8 में जिन्होंने जगमोहन चोपड़ा ने इनको इस्टेब्लिश किया था ग्रुप 8 को 1968 के अंदर, ठीक है, जिसका अनुपम सूद भी पार्ट थी, और ये कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह थे, तो अनुपम सूद भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, यानी इस कॉलेज में यानी मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, ये कॉलेज ऑफ आर्ट है दिल्ली का, तो इसी कॉलेज में यानी जगमोहन प्रिंसिपल थे और अनुपम सूद भी प्रिंट मेकिंग से थी, तो ऐसे एक्सप्लोर करते हुए इन्होंने ग्रुप 8 की स्थापना करी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वर्क भी किए। और हमारे जो बॉम्बे ग्रुप आई थिंक ये पैग होना चाहिए, प्रोग्रेसिव आर्ट ऑफ यानी प्रोग्रेसिव पैग, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप जो बॉम्बे से रिलेटेड था जिसमें आरा रजा बाकरे एम एफ हुसैन ये सारे टॉप टॉप आर्टिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे सामने। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। स्पीकिंग ट्री किसका काम है? ये रिचर्ड लॉनी का काम है। बिगनिंग ऑफ साउंड पी टी रेड्डी का काम है। और सिटी स्क्वायर किसका काम है? जियोकोमेटी बाला का। और फिर हमारा आता है आर्मरी शो किसका काम है? आर्थर बी डेविस, ठीक है। तो हमारा ये सही सीक्वेंस लग गया है, तो हमारा होना चाहिए 4-3-1-2, 4-3-1, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। टेम्पल ऑफ अंकोर वाट, ये खमेर आर्ट का नमूना है जो आपको पता है, यानी अंकोर वाट कंबोडिया के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा टेम्पल ऑफ हीरा, टेम्पल ऑफ हीरा आपको पता होगा ये ग्रीक आर्ट का है। और टेम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये है माया आर्ट का, माया की एस्टेरिक सभ्यता मायन, ठीक है। जिगुरात हमारा एलामाइट आर्ट, ठीक है, एलामाइट आर्ट। तो हमारा ये सही सीक्वेंस लग गया है, 2 1 3 4, हमारा 2 1 3 4, हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, मैच द फॉलोइंग आर्टिस्ट विथ पेंटिंग्स। एंजोली एला मेनन का जो यहाँ पे काम है वो है म्यूटेशन, और अर्पना कौर का काम है यहाँ पर थ्रेटेड सिटी, सरोज पाल गोगी का एटर्नल बर्ड, और अर्पिता सिंह का अर्ट्री, ठीक है। सारे सही सीक्वेंस में लग गए, सारे ही लेडी आर्टिस्ट है हमारी। तो हमारा हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैच द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट मार्क विद द डिजाइनर्स। अब देखिए जो सिंबल है, मार्क है, उनको हमें उनके डिजाइनर से जोड़ना है, तो एक एक करके हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले आएगा नाइक का सूश, जो कार्लोन डेविडसन ने बनाया था, इसका सिंबल आपने देखा होगा ऐसा करके, ये सूश वाला साइन है, ठीक है। फिर आते हैं ड्यूटसे बैंक, जो ये ड्यूटसे बैंक है, इसको यानी इसका सिंबल डिजाइन किया था एंटोनियो स्टैनकोवसी, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियर डिस आर्मामेंट, ये बनाया था जेराल्ड हाल्टन ने, ठीक है। एप्पल कंप्यूटर का आपने अभी बताया था रॉब जेनोफ का, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1, तो हमारा हो जाएगा 3 4 2 1, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, और यहाँ पे आप हाफ सेंचुरी कर चुके हैं पेपर की, और क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे सामने, मैच द क्रूशियल इन्वेंशंस इन फोटोग्राफी विद इन्वेंटर। अब इन्वेंशन को उसके इन्वेंटर से जोड़ना है। कैमरा ऑब्स्क्यूरा का आपको पता होगा जोसेफ नीफे, इसको नीफे कहते हैं, ये CE को कुछ ऐसे ही नीफे कहते हैं, ठीक है। जोसेफ नीफे जिन्होंने कैमरा ऑब्स्क्यूरा का यानी सिद्धांत लेके आया, सबसे पहला सिद्धांत है ये, जिसके ऊपर ही आज के यानी एडवांस जो डिजिटल कैमरा है वो अभी तक इसी को फॉलो करते हैं। फिर आते हैं डेग्यूरोटाइप, ये लुइस डेग्यूरो, इसके सरनेम पे ही बना था ये, ठीक है। फिर आते हैं कैलोटाइप, ये कैलोटाइप था इसका, WH फॉक्स टॉल बॉय का। फिर आता है फ्लेक्सिबल रोल फिल्म, जो था जॉर्ज ईस्टमैन का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4 3 1 2 4 3, हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। हे गाइस, आपने पूरे यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर लिए, और नेक्स्ट 50 करने के लिए आपको सेकंड पार्ट में जाना पड़ेगा, और उस सेकंड पार्ट की जो वीडियो होगी उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाकर आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उस पेपर को खुद अटेम्प्ट करिए, जिससे आपका जो नॉलेज होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आगे समय यानी लंबे समय तक वो रिटेन रह पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। थैंक यू सो मच।